हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ बिगिनर्स के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, काफ़ी कमेंट आते हैं मेरे पास जो नए बिगिनर हैं, जो सीखना चाहते हैं कि मैम हमें जो है सिलाई से डर लगता है। तो डर भूत वाला डर नहीं, कटिंग वाला डर कि अगर कपड़ा हम गलत काट दें तो हमारा कपड़ा ख़राब हो जाएगा, वो वाला डर। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में भी बात करने वाली हूँ। और कई कमेंट आते हैं कि मैम आपकी जो ये वाला जो स्पेशली चैनल है मेरा, ये बिगिनर्स के लिए है और इसमें अगर आप शुरू से देखेंगे तो मैंने बेसिक बताया हुआ है, मतलब बिगिनर्स के लिए कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, सिलाई छोटी छोटी चीज़ें पहले सीखना चाहिए। तो वो उनको समझ में नहीं आता कि कैसे जाएँ, पहले जो मेरी पहले की वीडियो वो कैसे देखें, तो वो भी बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, डर क्या लगता है? डर हमें यही लगता है कि जो हमारा कपड़ा है हमसे गलत ना कट जाए, तो यही डर होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर की कटिंग करें। आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को चिपका के उसको बड़ा करके और उस पर कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। ऐसे बार बार जब आप करते रहेंगे तो आपका डर निकलता रहेगा। और दूसरी ये बात कि अगर आप पहले छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे, तुरपाई हो गया, कच्चा टांका हो गया, हुक लगाना हो गया, आई बनाना हो गया, काज बनाना हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कटिंग करें। स्लीव काटनी है तो वो भी पेपर कटिंग करनी है, कुर्ती की भी पेपर कटिंग करनी है। तो ये आप जब करेंगे तो आपका जो डर है ना कि हमें सिलाई से डर लगता है, कटिंग से डर लगता है, वो डर निकल जाएगा। और अगर हाँ, अगर आपको अब कुर्ते पे भी कटिंग करनी है तो आपको ज़्यादा महंगा कपड़ा नहीं लेना है, जैसे कि 150 के 250 के भी सूट आ जाते हैं। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि हाँ आप मेरे को कपड़ा सिलना है, अपने लिए कुर्ता बनाना है, तो 100 रुपये का कपड़ा भी आ जाता है, आप आराम से लेके उसको सील लें। और थोड़ा सा अगर सीखने में थोड़ा कपड़ा ख़राब भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हम गलतियाँ कर करके सीख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था उनके लिए मेरा ये वीडियो, उनका जवाब कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जब आप कटिंग कर लोगे पेपर की तो आपका वो डर ख़त्म हो जाएगा। और अब बात करते हैं ये वाले चैनल की, इस पर मैंने बेसिक जो बनाया हुआ है, लोग पूछते हैं कि कैसे वो देखें शुरू से आपकी वीडियो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी जो वीडियो हैं, जो भी मैं बनाऊंगी, आपके पास सीधा वो पहुंच जाती हैं आपके फ़ोन में या जिस पे भी आप देखते हो। और आपने अगर सब्सक्राइब किया होगा तो इस तरीके से आ जाएगा कि कहाँ पे आपने द नो टेलर्स को सब्सक्राइब किया हुआ है, जैसे कि ये है, तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। ऐसे जाएंगे हम तो ये मेरा चैनल आ गया। अब वीडियो पे जाएंगे सबसे पहले तो ये वीडियोज़ आ गई, और इसमें जो सबसे लास्ट वाली वीडियो है तो ये देखिए सबसे लास्ट में, तो ये मेरे शुरू की वीडियो है जिसमें मैंने तुरपाई करना बताया हुआ है, उसके बाद मैंने हुक लगाना बताया हुआ है, फिर इंची टेप को समझना बताया हुआ है, काज को बताया हुआ है काज कैसे बनता है, फिर जो मेरे टूल्स हैं वो बताए हुए हैं, मशीन के बारे में बताया हुआ है, ये शटल के बारे में बताया हुआ, मतलब कि ऐसी चीज़ें बताई। यहाँ पे मैंने कैंची चलाना के, जो बिगिनर्स हैं वो कैसे कैंची चलाएं, और ये सिलाई की प्रैक्टिस कैसे करें, वो सब बताया हुआ है मैंने कि कैसे करें जो बिगिनर्स हैं बिल्कुल, जिनको डर लगता है। तो जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें करते जाओगे तो अपने आप एक दिन बड़ी चीज़ पे पहुँच जाओगे और आपको डर भी नहीं लगेगा। डर आपको क्या लगता है, आपने सिलाई तो सीखी नहीं है, और आप क्या सोचते हो, अरे चलो कुर्ती कटिंग की वीडियो देखते हैं, और आपको उसमें डर लगता है। जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें कर लेंगे तो आपका डर निकल जाएगा, फिर आप जब बड़ी चीज़ पे पहुंच जाओगे तो उसका भी आपको डर नहीं लगेगा। तो बस यही था फ्रेंड्स, और आपको मैंने बता ही दिया है कि किस तरीके से मेरी बेसिक वीडियो देखें आप। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो, आई होप के जो बिगिनर्स हैं उनको काफ़ी हेल्प होगी। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ, आप एकदम से छलांग ना मारें बड़ी चीज़ों पे, आप छोटी छोटी चीज़ें पहले सीखें, उसके बाद अपने आप ही आपकी बड़ी चीज़ करने का मन करेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।